चलिए जेई एडवांस में स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट की प्रॉब्लम्स बहुत कम आई हैं अगर हम जेई एडवांस में देखें, पर डेफिनेट में बहुत प्रॉब्लम्स मिलती हैं। सिंगल करेक्ट ऑप्शंस में हम देखें तो 1979 से 2016 तक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ 81 का, द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए जैसे ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर देखा, आप इसका इंटीग्रल नहीं निकाल सकते। डेफिनेट इंटीग्रल में ए टू बी एफ एक्स डी एक्स में अगर फंक्शन का इंटीग्रल नहीं होता तो उस केस में हम क्या करते हैं, बी माइनस ए मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन लेस देन इक्वल टू आई, अगर ये आई है लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए एफ मैक्सिमम, पर फिर भी एक रेंज मिलेगी। यहाँ पर आप रेंज नहीं बता, ऑप्शन में कोई रेंज नहीं दिया तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दिस, देखते ही बोल सकते हैं। बाकी अगर आप इसको सीरीज एक्सपांशन से भी करते तो क्या होता है, ये 0 to 1 ई पावर एक्स की सीरीज होती है 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अगर मैं इस कंसेप्ट से भी अप्लाई करता तो मैं ऐसा लिखता 1 माइनस एक्स की पावर ये ई पावर माइनस एक्स की सीरीज है तो एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स 6 बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। और अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता तो कुछ ऐसा लिखता, इंटीग्रेशन करता 1 + 1 2 तो 2x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स पावर 5 बाय 5 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स पावर 7 अपॉन 7 इंटू फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। 0 to 1 जब 1 रखते तो आपको कुछ इस तरह की सीरीज मिलती, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलती, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दिस, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1981 का है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लेट ए बी सी बी नॉन जीरो रियल नंबर सच डैट 0 to 1 प्लस कॉस पावर 8 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इक्वल टू 0 to 2 प्लस कॉस पावर 8 एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ नो रूट्स, एटलीस्ट वन रूट आर डबल रूट्स, टू इमेजिनरी रूट्स। अब एक बात समझिए, अभी कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर जो चीज़ दी होती है, मतलब आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है, क्या है, 1 प्लस कॉस पावर 8 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्योंकि इक्वेशन है तो एफ वन माइनस एफ जीरो किसके इक्वल होगा, जीरो के, एज वेल एज ये इक्वल दिए एफ जी टू माइनस एफ जीरो इज ऑल्सो जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि एफ वन इक्वल टू एफ जीरो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एफ टू इक्वल टू एफ जीरो, राइट। अब अगर हम लॉजिकली देखें तो एफ जीरो इक्वल टू एफ वन मीन्स 0 to 1 में रोलेज थ्योरम के हिसाब से देखें तो एक रूट होगा, एंड सिमिलरली 0 से 2 में भी अगर हम देखें तो एक रूट होगा। और ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि एफ जीरो इक्वल टू एफ वन इक्वल टू एफ टू मीन्स 0 से 2 में पॉसिबिलिटीज़ है कि टू रूट्स हों, मतलब इस इक्वेशन का अगर एक रूट अल्फ़ा और बीटा है तो हम बोल सकते हैं एक रूट 0 से 1 में, एक रूट 1 से 2 में, राइट। अब क्योंकि 1 प्लस कॉस पावर 8 है ये तो 0 के इक्वल होगा नहीं कभी भी, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, तो इसके 2 पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम। तो हम यहाँ पर सबसे अच्छा आंसर जो होगा हमारे लिए वो ये होगा कि एटलीस्ट 1 रूट इन 0 to 2। रोलेज थ्योरम से हमने बताया कि एफ जीरो एफ वन माइनस एफ जीरो एफ टू माइनस एफ नॉट, तो इससे ये कन्फर्म है कि 0 से 2 में एटलीस्ट 1 रूट होगा, इनफैक्ट 0 से 1 में भी पॉसिबल है, 1 से 2 में भी। तो हम ज़्यादा अच्छा आंसर बोलेंगे एटलीस्ट 1 रूट इन 0 to 2, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1983 का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 0 to π/2 रूट कॉटेक्स अपॉन रूट कॉटेक्स प्लस रूट टेन एक्स। इसका आंसर डायरेक्टली मैंने आपको बोला था लिमिट बाय 2, तो करेक्ट आंसर हुआ π/4। इसमें प्रॉपर्टी आपको बताई थी 0 to a एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स की फॉर्म हो तो डायरेक्ट आंसर होता है लिमिट बाय 2। अच्छा, इसमें याद रखिएगा अगर a टू b है एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो तो आंसर डायरेक्टली अपर माइनस लोअर बाय 2, राइट। तो यहाँ पर कॉट एक्स है, ये कॉट एक्स है और ये कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो आंसर हुआ लिमिट बाय 2 मीन्स π/4, नोट डाउन।
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1985 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है फॉर एन द इंटीग्रल 0 टू पाई ई पावर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब 2n प्लस 1 एक्स डी एक्स हैज द वैल्यू, ऑप्शन है पाई 1 0 नन ऑफ दिस, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस में नॉर्मली जब क्या होता है, देखिए आई इक्वल टू क्या दिया आपको, 0 टू पाई ई पावर कॉस स्क्वायर एक्स, ये इवन पावर है, यहाँ पर कॉस क्यूब दे दिया, ये ऑड पावर है। ऑड पावर होने का फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ एक प्रॉपर्टी है, आपको पता है 0 टू 1, अक्सर जब कोई क्वेश्चन में आप ट्राई कर रहे थे प्रॉपर्टी जरूर चेक करें, a माइनस एक्स। अगर मैं प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करूँ तो देखिए क्या होगा, 0 टू पाई e पावर कॉस पाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पर आप ऐसा लिखेंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस एक्स होल क्यूब। अच्छा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ये इंटीजर है, लिखा हुआ है एन इज इंटीजर, तो ये माइनस हो गया और कॉस पाई माइनस एक्स माइनस होता है, बट ये पावर इवन है तो प्लस हो गया, तो एक तरह से हमको ऐसा मिला 0 टू पाई माइनस, बाहर लिख दीजिए, ई पावर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2n प्लस 1 इंटू एक्स डी एक्स, राइट। मीन्स आई इक्वल टू माइनस आई और 2i इक्वल टू 0 और i इक्वल टू 0, तो करेक्ट आंसर हुआ सी, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 90 का क्वेश्चन है। लेट एफ सच डेट आर टेंस टू आर, जी सच डेट आर टेंस टू आर, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स जी एक्स माइनस जी माइनस एक्स डी एक्स। याद रखिएगा डेफिनेट के क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज बहुत यूज होती हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी डेफिनेट के आए हुए हैं अगर हम देखें पूरे कैलकुलस में। अब इसमें क्या करेंगे, तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, एफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एफ एक्स मिले, राइट। और यही प्रॉपर्टी इक्वल टू जीरो भी हो जाती है व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ऑड क्या होता है, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स मिले। अब ये देख के समझ में आ रहा है ऑड फंक्शन है, बिकॉज अगर मैं माइनस पुट करूं तो देखिए क्या होगा, आपने माइनस पुट किया तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हो गया, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, पर यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये माइनस हुआ और ये प्लस हो गया। अब अगर आप इसका माइनस कॉमन ले लें तो वापस ये आई बन जाएगा, इसका मतलब ओवरऑल हम देखें तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स जी एक्स माइनस माइनस जी एफ एक्स, ये ऑड फंक्शन हो गया, तो ऑड फंक्शन का रिजल्ट हमेशा जीरो होता है, राइट। नोट डाउन इसको, क्योंकि आप आई लिख लोगे तो वही सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया, तो रिजल्ट विल बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 93 का क्वेश्चन है, बिल्कुल अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी क्लियर, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा, प्रॉपर्टी क्लियर नहीं होगी नहीं होगा। कौन सी प्रॉपर्टी अगर इसमें साइन कॉस में चेंज कर दें तो इसका आंसर डायरेक्टली हम बोलेंगे लिमिट बाई टू, तो आंसर तो आपने पाई बाई फोर एक बार में बोल दिया, कैसे वो मैं बता देता हूँ। आपने इसको लिखा 0 टू पाई बाई टू कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। ध्यान करिए अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी 0 टू ए एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, तो डायरेक्टली आंसर होता है इसका लिमिट बाय टू, तो आंसर हुआ पाई बाय फोर। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 95 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ एफ एक्स इक्वल टू ए साइन पाई एक्स बाय टू प्लस बी एफ डैश 1 बाय टू इक्वल टू रूट टू एंड 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 ए अपॉन पाई देन ए एंड बी, ए एंड बी बताना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एफ डैश अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करने को बोलूं तो आप बोलते ए कॉस पाई एक्स बाय टू इन टू पाई बाय टू, राइट। अब 1 बाय टू रख दूं मैं अगर इसमें, अगर मैं 1 बाय टू रख दूं तो ए कॉस 1 बाय टू रखा तो पाई बाई फोर इन टू पाई बाई टू, और ये गिवन है रूट टू इक्वल टू ए, ये हो गया 1 बाय रूट टू इन टू पाई बाई टू, राइट, इन टू पाई बाई टू, तो ये रूट टू हो गया
और 2 इंटू 2 फोर, तो ए की वैल्यू आ गई 4 अपॉन पाई, ए की वैल्यू आ गई 4 अपॉन पाई। अगर हम ध्यान दें तो 4 अपॉन पाई एक ही ऑप्शन में आप इतना चांस ले सकते हैं, पूरा भी करेंगे पर 4 अपॉन पाई एक ही ऑप्शन में है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। अब इसका इंटीग्रल भी बोला है, अगर मैं आपको बोलूँ इसका इंटीग्रल करिए तो एक ही जगह आप क्या लिख देते हैं 4 अपॉन, अभी एक ही टर्म में भी रहने दें, तो इसका डायरेक्टली देखिए ऐसा होता है 0 टू 1 ए साइन पाई एक्स बाय 2 प्लस बी, राइट। अब मैं अगर इसका इंटीग्रल करने के लिए बोलता तो आप बोलते ए माइनस का कॉस पाई एक्स बाय 2 अपॉन एक्स का कोफिशेंट पाई बाय 2 प्लस बी एक्स 0 टू 1 इक्वल टू 2a अपॉन पाई, राइट। ए की वैल्यू डाल देंगे अभी हम, तो अब यहाँ पर पहले 1 रखें, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए आपने 1 रखा तो ये पाई बाई 2 मिलेगा, कॉस पाई बाई 2 0 होता है तो ख़त्म, और यहाँ पर रखेंगे तो b मिल जाएगा। अब जब 0 रखेंगे तो ये 0 होगा, बट यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस a कॉस 0 1 अपॉन 2 बाय पाई इक्वल टू 2a अपॉन पाई, तो 2a अपॉन पाई तो 2a अपॉन पाई कैंसिल, तो b की वैल्यू भी 0 आ गई, तो करेक्ट आंसर इज d, राइट। तो a और b दोनों निकाल लिए, पर आपके पास एक ही ऑप्शन था 4 अपॉन पाई, तो आप उतने में भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते थे बिकॉज नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं था। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1995 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन मेरे थ्योरी वाले वीडियो में भी आपको मिलेगा। 0 टू 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 साइन एक्स, यहाँ पे मेंशन है वेयर दिस रिप्रेजेंट अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसमें करना क्या होता है, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा अपना नेचर इंटीजर पे ही चेंज करता है, और इसके लिए मैंने आपको बहुत सारी शॉर्टकट भी बताई हुई हैं। अब हम समझें कि अगर मैं 1 रखूँगा तो 1 मिलेगा, 2 रखूँगा तो 2 मिलेगा, पर अगर मैं 0.999999 भी रखूँगा तो 0 मिलेगा, अगर मैं 1.9999 भी रखूँगा तो 2 मिलेगा, अगर मैं -0.5 रखूँगा या माइनस पॉइंट तो -1, -1.1 पे -2, लाइक दिस, राइट। अब यहाँ पर 2 साइन एक्स है, तो 2 साइन एक्स है तो इसको इंटीजर कौन देगा, मैं आपको रियल लाइन से समझाता हूँ। एक 0 हो गई लिमिट, एक हो गई 2 पाई, अब इसको इंटीजर कौन देगा, जब साइन एक्स की वैल्यू क्या क्या हो, साइन एक्स 0 हो, 1/2 हो, 1 हो, -1 हो और -1/2, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं देगा। अब 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है और पाई से 2 पाई में निगेटिव, तो निगेटिव के समय निगेटिव देखेंगे, पॉजिटिव के समय पॉजिटिव। तो सबसे पहले अगर मैं 0 टू ठीक पाई बाई 6 रखूँ, तो साइन पाई बाई 6 होता है 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल तो 1 मिलेगा, और 0 से 1 में लोअर लिमिट मिलेगी, इसका मतलब 0 रिजल्ट होगा, राइट। अब अगर हम देखें यहाँ पर ठीक मैं पाई बाई 2 रख दूँ, अगर मैं ठीक यहाँ पर पाई बाई 2 रख दूँ तो ये 1 मिलेगा पाई बाई 2 रखने पर, इसका मतलब यहाँ पर ये 2 मिल जाएगा, पर पाई बाई 2 एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो आप समझिएगा पाई बाई 2 के बाद, अगर पाई बाई 2 के बाद हम देखें तो 5π/6 साइन 150 की वैल्यू, 5π/6 की अगर वैल्यू देखूँ तो कितनी होती है 1/2, इसका मतलब मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, अगर मैं ऐसा लिखता थोड़ी देर के लिए 3π/2 और 3π/2 से 5π/6, राइट, 3π/2 नहीं सॉरी π/2, और तो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा देखिए लोअर लिमिट से वैल्यू बड़ी होती है और अपर लिमिट से हमेशा वैल्यू छोटी होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि π/6 से अगर मैं π/2 के बीच में रखता कोई भी नंबर तो क्या होता, तो π/6 से जब π/2 के बीच में रखता तो यहाँ पर ठीक π/6 पे ये होता 1/2, तो 1 से स्टार्ट होता और π/2 पे ठीक 2 होता पर 2 नहीं होता, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 1 मिलता और यहाँ से यहाँ तक भी 1 मिलता, इसलिए इस π/2 की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है। अब 5π/6 के बाद से लेके पाई तक हम अगर देखें तो पाई तक ठीक अगर मैं पाई रख दूँ तो ये 0 मिल जाएगा, राइट, तो यहाँ पर ये 0 हो गया। अब पाई के बाद हम आगे बढ़ना चालू करते हैं तो आपको रियल लाइन से करने में ये एडवांटेज होगा, तो इसका मतलब इस पूरे स्केल में ये मिला 1, इस पूरे स्केल में मिला ये 1, और एक क्वेश्चन आपको 0 से पाई वाला भी मिलता है अक्सर, ये आ गया, और पाई पाई बाई 6 से पाई तक का हमारा। अब आप इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो देखिए क्या होगा, अब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही गए तो ये नेगेटिव होना जाएगा। अब आपको नेगेटिव में सोचना है, नेगेटिव में वैल्यू छोटी होती है तो उसका सोचने का तरीका भी वैसे ही होगा।
सबसे पहले अगर मैं बात करूं पाई के बाद से लेके 7π/6 210, तो ये वैल्यू होगी -1/2, -2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिला -1। इसका मतलब अगर मैं लॉजिकली देखूं तो 7π/6 पर ये वैल्यू मुझे मिली -1, राइट। 7π/6 के बाद, 7π/6 के बाद अगर ठीक -3π/2 रख देते तो आपको क्या मिलती वैल्यू, आपको वैल्यू मिलती -2। इसका मतलब पर कहाँ तक मिलती, तो 270 के बाद 300 की, अगर 330 की वैल्यू आपको निकालने को बोलूँ तो आप अगेन यहाँ पर 330 की वैल्यू बोलते -1/2, यानी 11π/6 तक मुझे मिलता -2 और ठीक 2π पे मुझे मिलता -1। ये इसका रियल स्केल हुआ। आपको इस ढंग से इसको पाई बाई टू को हटा दो, कंफ्यूज नहीं हो गए, यहाँ पर ये हो गया पाई। अब एक समझिएगा, आप 0 से π/6 के बीच की कोई भी वैल्यू रखेंगे रिजल्ट 0 हुआ, π/6 से 5π/6 की वैल्यू रखेंगे 1 हुआ, पॉजिटिव में पॉजिटिव वाली वैल्यू लेते हैं 5π/6 से पाई के बीच में वैल्यू रखेंगे, देखिए पाई पे 0 तो रिजल्ट हुआ 0। अब पाई से लेके 7π/6 तक जब आप गए तो निगेटिव चालू हो गया, ठीक पाई पे 0 और 7π/6 पर होता है -1/2, तो आपको -1 मिल जाएगा क्योंकि ठीक -1/2 नहीं रखते हम। अब 7π/6 से 11π/6 तक जब जाओगे तो बीच में आप ऐसा सोचिए 3π/2 आया जिसपे -1 मिला तो इसलिए -2 आ गया, और 11π/6 से जब 2π रखोगे तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब -1 मिला। अब आंसर देने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू दिस। ये बहुत ही सिंपल अप्रोच है, अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है मैं आपको बोलूँगा आप जो ओरिजिनल डेफिनेट वाले वीडियोज डले हुए उसको जरूर देखिए। 5/6 से -5/6 प्लस 0 इंटू पाई माइनस 5π/6 प्लस नहीं ये -1 इंटू 7π/6 से पाई, 7π/6 से पाई -2 11π/6 से -7π/6 -1 इंटू 2π माइनस 11π/6, राइट। अब इसको सॉल्व करूँ तो ये रिजल्ट 0, 5π/6 में से -π/6 गया तो 4π/6 वो 0 हो गया, माइनस देखिए यहाँ पर 6π/6 लिख लीजिए आप, तो क्या मिला एक तरह से आपको मिला माइनस का π/6 क्योंकि आगे माइनस लिखा है, यहाँ पर मिला आपको 4 2 8 तो माइनस ऑफ 8π/6, राइट। 4π/6 इंटू 2 और वहाँ पर मिला माइनस ऑफ, देखिए ये हुआ 12 तो 12 माइनस 11 π/6 और माइनस आगे लगाए तो माइनस ऑफ π/6, राइट। अगर मैं सभी को बोलूं आपसे ऐड कर दो तो ये 6 4π माइनस पाई माइनस 8π माइनस ऑफ पाई, ये हो गया -10π प्लस 4π माइनस 6π अपॉन 6, तो नेट आंसर हुआ माइनस ऑफ पाई, तो करेक्ट आंसर -b। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले क्वेश्चंस का आप वीडियो एक बार रिवाइज कर लेना, उसमें सारे कंसेप्ट बताए हुए हैं। बस करना ये होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी आए तो उसको जब आप ब्रेक करें तो ब्रेक ऐसे करें कि वो इंटीजर वैल्यू दे, तो आपने ये इंटीजर वैल्यू ले ली। और एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ऐसे करना चाहिए था, बता देता हूँ कि मैं ऐसा लिखता पर इसमें टाइम बढ़ जाता, 0 to 1 π/6 0 का इंटीग्रेशन, फिर π/6 से 5π/6 1 का इंटीग्रेशन। अब होता ये कि इनके इंटीग्रेशन में केवल x आता है, इसलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के साथ इस रिजल्ट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। अदरवाइज आप इसको इस ढंग से करते 5π/6 से 7π/6 सॉरी हाँ इस तरह से आप इसको कंप्लीट करते, ये आता -1 dx सॉरी 5 0, फिर आगे बढ़ाते तो -1 -2 and -1। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 1997 का है, अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही डेफिनेट में आए और बहुत क्वेश्चन हैं, मतलब अगर मैं अभी जो करते जा रहा हूँ एडवांस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल में है और मैक्सिमा मिनिमा में, बिकॉज ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जिसमें कंसेप्ट लगते हैं और कंसेप्ट के बिना आप इन क्वेश्चन को नहीं कर सकते। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या, लेट एफ बी अ पॉजिटिव फंक्शन i1 = 1 - k2 x f(x - 1 - x dx, i2 = 1 - k f(k f(x - 1 - x dx, where 2k - 1 > 0 दिया, देन i2 / i1 पूछा है,
राइट। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान हो, ए टू बी। अब यहाँ पे क्योंकि लॉ लिमिट जीरो नहीं है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वन। इसका मतलब अगर मैं आई वन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, वन माइनस के टू के, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स, क्योंकि लिमिट माइनस एक्स होता है, इन टू एफ, बोलिए एक्स की जगह वन माइनस एक्स, अंदर रखा वन माइनस एक्स, तो क्या मिला, वापस एक्स मिल गया, ये हो गया डी एक्स। अगर मैं आपसे बोलूँ इसको सेपरेट लिखो तो आप बोलते वन के मल्टीप्लाई के साथ, तो वन माइनस के टू के एफ वन माइनस एक्स इन टू एक्स डी एक्स माइनस ऑफ वन माइनस के टू के कितना मिलता, एक्स इन टू एफ वन माइनस एक्स इन टू एक्स डी एक्स, राइट। अगर ध्यान दें तो ये आई टू है और वो आई वन है, वापस आई वन बन गया, तो ऐसा बोल सकते हैं आई वन इक्वल टू आई टू माइनस ऑफ आई वन, टू आई वन इक्वल टू आई टू। आपसे क्या पूछा है, आई टू बाय आई वन, तो आई टू बाय आई वन इक्वल टू टू इज टू वन, तो करेक्ट आंसर जो मैंने ऑप्शंस लिखे होंगे तो देखिए टू इज टू वन, तो करेक्ट आंसर इज ए। बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी लगाइए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने इन दोनों लिमिट को ऐड कर दिया, तो इन दोनों लिमिट का एडिशन, और उसके बाद हमने इसको सेपरेट कर दिया, नोट डाउन।